हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि आनंद है। मैंने सिविल सर्विसेज 2017 की परीक्षा में 79th रैंक हासिल किया है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इस बार मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा और बताऊँगा कि ज्योग्राफी को कैसे अच्छे से हैंडल कर सके। लास्ट ईयर मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में सिर्फ 204 नंबर थे, इस बार वो इम्प्रूव होके 279 हो चुके हैं। पेपरों में मेरे मार्क्स 118 हैं इस साल और पेपर टू में 161 है। पेपर वन के क्वेश्चन इस बार थोड़े ट्रिकी थे ज्योग्राफी मेंस में, और बाकी जो सवाल थे वो काफ़ी स्टैंडर्ड थे, जो कि आप पिछले 5 या 10 साल के पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलर नज़र आएंगे। पेपर वन के लिए मैं आपको बुक्स बताना चाहूँगा। आप सविंदर सिंह देख सकते हैं, एटलीस्ट सविंदर सिंह तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी जो है सविंदर सिंह के द्वारा, उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक रीडिंग तो मस्ट है, हो सके तो 2 या 3 रीडिंग दे उसे। दूसरा जो किताब मैंने फॉलो किया था वो था स्ट्रैलर। स्ट्रैलर में डायग्राम्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, कलर्ड बुक है तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है उसे पढ़ने के लिए। तीसरा जो मैंने फॉलो किया था ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, वो माजिदुद्दीन सर की बुक थी, और एक अधिकारी सुदीप्ता अधिकारी मैम की किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट्स के ऊपर, उसे रेफ़र किया था मैंने। इसके अलावा रूपा मेट सिंपल को भी मैंने देखा था सॉइल चैप्टर के लिए, और बाकी विकिपीडिया और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स थे उनको भी मैंने एक बार देखा था। आलोक रंजन के, शब्बीर सर के नोट्स को मैंने रेफ़र किया था। सारा याद तो नहीं किया था पर मैंने रेफ़र जरूर किया था, और कुछ अच्छे पॉइंट जो उनके नोट्स से मिले थे उसको मैंने अलग से अपने एक नोटबुक में कंसोलिडेट कर लिया था। पेपर वन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लें और कोशिश करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जो दो टॉपिक्स हैं, एक मॉडल्स और दूसरा ज्योग्राफिकल थॉट्स, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करें, क्योंकि उनका वेटेज पिछले 2-3 साल में काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। 30 से 40 मार्क्स मिनिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी कभी तो आपको 80 नंबर के क्वेश्चन भी उससे पूछे जा रहे हैं। तो आप मॉडल्स और ज्योग्राफिकल थॉट को अपना स्ट्रेंथ बनाएं, उसे छोड़े नहीं। और सेकेंडली, अगर आप मॉडल्स और ज्योग्राफिकल थॉट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इनका यूज़ पेपर टू में ही कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, और मैं बताऊंगा आपको। और बाकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए डायग्राम्स बनाने हैं। 10 मार्कर के लिए मिनिमम 1 डायग्राम, 15 मार्कर्स के लिए मिनिमम 2 डायग्राम, और 20 या फिर 25 मार्कर क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो एटलीस्ट 3 डायग्राम्स आप बनाने की कोशिश करें। और जहाँ तक बात है शेडिंग की, तो मैं जनरली शेडिंग किया करता था 3 तरीके से। 3 शेड्स यूज़ करता था मैं। डॉट का यूज़ करता था मैं लो डेंसिटी के लिए, सिंगल लाइन का यूज़ करता था मैं मीडियम डेंसिटी के लिए, और जो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले रीजन्स होते थे उनके लिए मैं क्रॉस लाइन का यूज़ किया करता था। तो ये ओवरऑल जो है पेपर वन के लिए स्ट्रैटेजी रही थी मेरी, टेस्ट सीरीज लगाना, स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना, जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं उनमें जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं उनको कंसोलिडेट कर लेना। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में जब भी आंसर लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है फिज़िकल ज्योग्राफी में या ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो आप इंट्रोडक्शन में हमेशा उस थ्योरी या कंसेप्ट के प्रोपाउंडर का नाम लिखें, उन्होंने जिस किताब में उसके बारे में बात किया था उस किताब का नाम लिखें, और पॉसिबल हो सके अगर आपको याद हो तो किस साल में उसे प्रोपाउंड किया था, उस कॉन्सेप्ट को बताया गया था, उसका जिक्र भी करें। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं कॉपी आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल के, वो ज्योग्राफी के ही प्रोफेसर्स होते हैं और उनको ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मे बी आप एक नंबर लूज़ कर रहे हैं अपने, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब मैं पेपर टू की बात करना चाहूँगा जो कि इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो 20 नंबर का मैप क्वेश्चन होता है। उसमें आपको 10 एंट्रीज़ को लोकेट करना होता है और साथ में 30 वर्ड्स के अंदर उनके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। मैंने देखा है कि अगर आप, और आप भी देखेंगे, अगर आप 5-6 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो मैप के सवाल हैं, एटलीस्ट 50% जो मैप एंट्रीज है वो पिछले 20 या 30 साल के पेपर से ही आ जाते हैं। तो अगर आप 20 से 30 साल के प्रीवियस ईयर मैप एंट्रीज को मार्क कर लेते हैं पहले से, उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि
एटलीस्ट 5 मैप इंट्रीज तो आप सही करके ही आएंगे। अब बाकी जो पांच मैप इंट्रीज बचती हैं आपके पास, वो बहुत ही स्टैंडर्ड होती हैं, बहुत ही सबको पता होती है, तो उनके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, 1-2 मैप इंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही कभी आपने सुना नहीं होगा उनके बारे में उनका नाम, तो आप उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर लूज़ आउट नहीं कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को। तो एट मैक्स अगर आप 7 से 8 इंट्रीज लगाते हैं तो आपके 14 नंबर तो वहीं पर आ जाते हैं, 14 या 16 नंबर। तो इस वजह से मैप इंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी ज्योग्राफी पेपर 2 के स्कोर को ऊपर ले जाने के लिए। तो मैप इंट्रीज पे बिल्कुल फोकस करें। सेकेंडली, जो मैप बनाना है आपको, चाहे वो इंडिया का मैप हो चाहे वर्ल्ड मैप हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। कोशिश करें कि इंडिया की मैप को आप 20 सेकंड के अंदर बना लें और जो वर्ल्ड मैप है उसे आप 40 सेकंड के अंदर तैयार कर लें एक्चुअल एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक इंडिया के मैप को ले सकते हैं, 6 इंच बाई 6 इंच के मैप को ले सकते हैं इंडिया के, और उसके आउटलाइन पे पेंसिल को आप चलाते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आप काफ़ी अच्छा मैप बना लेंगे, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड मैप का हो। मैंने ऐसी प्रैक्टिस की थी और मुझे ये प्रैक्टिस काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। तो इस प्रकार से आप मैप इंडिया का बना सकते हैं और वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की सिलेबस की। तो पहला जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पेपर 2 के अंदर, वो है फिज़िकल सेटिंग। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनफैक्ट सबसे एक्सटेंसिव टॉपिक ही यही है। इससे हर एक साल क्वेश्चन आते ही हैं और मिनिमम 50 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं। तो आप जो पहला टॉपिक है उस पर काफ़ी फोकस करें, उसको अच्छे से अपना स्ट्रेंथ बना लें, और उसके बाद की जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, चाहे वो योजना हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे PIB की कुछ फीचर्स आ गए जो कि ज्योग्राफिकल एंगल से इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस से मैच हो रहे हों, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के लिए पेपर 2 में, वो ये है कि जो रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर 1 को कैसे लिंक करें आप पेपर 2 के आंसर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सवाल इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड और आपको किसी लोकेशन को मार्क करना है या फिर लिखना है अपने आंसर में, तो आप वेबर की थ्योरी का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हाँ, ये वेबर की थ्योरी पे के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो जमशेदपुर में टाटा स्टील का प्लांट लगा हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। तो आप ये एग्जांपल साइड कर सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे आप आंसर की बिगनिंग में लिख सकते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं या फिर अगर ऐसा हुआ है तो एक थ्योरी के बेसिस पे हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप पेपर 2 के आंसर्स में पेपर 1 का प्रयोग कर सकते हैं, पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और मेरे ख्याल से मेरे अच्छे नंबर जो 161 है पेपर 2 में इस साल के, वो इसी वजह से हैं। सेकेंडली, ज्योग्राफी पेपर 2 के जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो आप GS की तैयारी करते हैं उससे काफ़ी कवर हो जाता है। जो चौथी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा GS पेपर 2 के लिए, वो ये है कि GS पेपर 2 में कुरुक्षेत्र के आर्टिकल पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। PIB में अगर कुछ आ रहा है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और योजना में अगर कुछ ज्योग्राफिकल, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं योजना के आर्टिकल्स में, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस साल एक हिल सब्सिडी पे एक सवाल था जिसका आपको रेफरेंस सिर्फ PIB में मिलेगा और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से PIB देखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बस आप स्क्रॉल करते रहे PIB को और मार्क कर लेगी वो क्वेश्चन आपके, मतलब पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है ये ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, तो आप उसे पढ़ ले एक बार, हो सके तो नोट्स बना के रख ले। तो इस वजह से योजना, कुरुक्षेत्र और PIB जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा बुक्स के बारे में मैं बात करूँ ज्योग्राफी पेपर 2 के लिए, तो इंडियन ज्योग्राफी की 2 किताबें आती हैं, एक माजिद हुसैन सर की हैं और एक DR खुल्लर की हैं। खुल्लर की किताब आपको अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें हर एक फैक्ट को एक रीज़न के साथ एक्सप्लेन किया गया है, तो एक आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है।
अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स को देखेंगे तो उसमें जो भी मैप्स दिए गए हैं आपको वहाँ पे 5 या 6 शेड्स मिलेंगे मैप के अंदर। तो आप कोशिश करें कि जो शेड्स हैं वो 5 या 6 शेड्स को याद ना करें, कोशिश करें कि वो 5 या 6 शेड को 3 शेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें उस मैप को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँगा कि राइस कल्टीवेशन के रीजन्स कहाँ कहाँ हैं इंडिया में, तो आप उसको हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और लो डेंसिटी में कैटेगराइज करके पूरे रीजन को अपना खुद का मैप तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम के टाइम में आपको एक प्रॉपर प्लानिंग आपको पता रहेगी कि हाँ मुझे 3 शेड ही यूज़ करने हैं। आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम में, एक्चुअल पेपर में भी काफ़ी जल्दी आप मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी पेपर 1 और ज्योग्राफी पेपर 2 के लिए। ये सारे मेंस की स्ट्रैटेजी थी मेरी और मैं यही कहना चाहूँगा पूरे मेंस को लेके कि आपकी रैंक जो है वो आपका मेंस का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1750 नंबर का ये पेपर होता है ओवरऑल, सब सातों पेपर मिला के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से क्योंकि इंटरव्यू आपके थोड़ा सा लक पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है और थोड़ा सा जो मेंबर्स हैं उनके क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है। मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरी इंटरव्यू में काफ़ी लो मार्क्स हैं इस साल, आई मीन वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स कह सकते हैं। उसका रीज़न ये था कि मेरे जो बोर्ड मेंबर्स थे वो थोड़ा मेरा बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग में है और बोर्ड मेंबर्स उसे कन्फ्यूज़ कर लिए केमिस्ट्री के साथ। तो उन्होंने मतलब एक मेंबर तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मतलब 5 या 6 सवाल केमिस्ट्री के प्योर साइंस के पूछ डाले और उसमें मुझे बोलना पड़ गया कि सॉरी सर आई डू नॉट नो। तो एक उनको एक मैसेज गया कि इस बंदे ने प्रिपरेशन नहीं की है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को, और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही मुझसे ये कह दिया था कि आई मीन दीज आर वेरी फेमस रिएक्शंस एंड ऑल दैट एंड यू शुड नो दिस काइंड ऑफ थिंग। सो इंटरव्यू इज समथिंग विच यू नो इन जनरल इज़ वेरी प्रिडिक्टिव, इट इज़ बेस्ड ऑन योर डेफ, बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट इंटरव्यू माइट नॉट बी you know good for you on that particular day. So what you can do is you can only focus on mains and then whatever happens you can prepare for your interview. और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इंटरव्यू में आप जो अपना समरी शीट होती है उसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सारे मेम्बर्स के पास जनरली समरी शीट ही रहती है तो सवाल आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स जो हैं आप उनके ऊपर एनालिसिस करें, ना कि उनके फैक्ट्स को याद करें। तो मेंस के अंदर आप थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आप डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड व्यू आप रखें हर एक टॉपिक के ऊपर। और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स की इंटरव्यू 1 या 1.5 महीने बाद होती है या 2 महीने बाद हो रही है या फिर लास्ट में हो रही है, तो वो शुरू के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो UPSC के एक दिन इंटरव्यू के दिन पूछे जाते हैं वो जनरली 1 हफ्ते के पहले के होते हैं या फिर एट मैक्स 10 या 15 दिन पहले के होते हैं। कभी कभी किसी चीज़ में अगर बड़े टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो 1 या 2 महीने पहले के करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस ना करें इनिशियली आप जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। कोशिश करें कि सबसे पहले समरी शीट आपकी कवर हो, उसके बाद करंट अफेयर्स हो, उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है, आपको इंटरेस्ट हो, तो कुछ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स की किताबें आती हैं आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। उससे आपको जो वर्क है आपका चाहे वो IAS का हो, चाहे IPS का हो, चाहे IFS का हो, उसके बारे में आपको एक इंसाइट पता चलता है कि फील्ड पे वर्क कैसे होती है और डिसीजंस कैसे लेते हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स। तो ये आपको एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करेगा अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो। मैंने किताबें पढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा और आप भी चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए आप डैफ और समरी शीट को करें, करंट अफेयर्स देखें और फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, डेटा पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी बताई और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे जो कि मैंने PDF फॉर्म में ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी को शेयर की हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और डेली नॉलेज ट्रैक को फॉलो करते रहें। थैंक यू।